नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सनी 147 क्लासेस में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम फुल डिटेल्स के साथ 2021 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को अच्छी तरीके से समझेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है वो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट अवार्ड को प्रदान कराता है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान कराया जाता है हर साल। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। देख सकते हैं, ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट अवार्ड को कौन प्रदान कराते हैं? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान कराते हैं। आप सभी को यह बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। देख सकते हैं, ये है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। देख सकते हैं, ये है मेजर ध्यानचंद। आप सभी को बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि कुल 12 खिलाड़ियों को 2021 के अंदर 13 नवंबर 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार किया जाएगा। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। 13 नवंबर 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कुल 12 खिलाड़ियों को। चलिए आइए देख लेते हैं उन 12 खिलाड़ियों। तो पहले नंबर पे हैं नीरज चोपड़ा, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंधी है जेवलिन थ्रो भाला फेंक एथलेटिक्स। इनको एथलेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्डन नाम से भी जाने जाते हैं और इन्हें आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक के अंदर 87.58 मीटर फेंके जो जेवलिन थ्रो का स्वर्ण पदक दिया गया था। आप सभी को बात ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे कौन है? रवि कुमार दहिया हैं। देख सकते हैं, ये हैं रवि कुमार दहिया, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंधी है कुश्ती। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 57 किलोग्राम का भारतवर्ष में रजत पदक जीता था। आप सभी को बात ध्यान में रखना है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट पे कौन है? तीसरे नंबर पे लालविन बोरगोहेन हैं, जो असम राज्य से बिलोंग करती है और खेल इनका संबंध है मुक्केबाजी। लालविन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 60 किलोग्राम का भारतवर्ष में कांस्य पदक जीता है। देख सकते हैं, ये हैं लालविन बोरगोहेन। नेक्स्ट चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे हैं पी आर श्री जेस। देख सकते हैं, पी आर श्री जेस, जो केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंध है हॉकी। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। पी आर श्री जेस भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। आप सभी को बात ध्यान में रखना है, ये अच्छे काफ़ी भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, पाँचवें नंबर पे हैं अवनी लखारा। देख सकते हैं, ये हैं अवनी लखारा, जो राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। इनका खेल संबंध है पैरा शूटिंग। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। अवनी लखारा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। कौन है? अवनी लखारा, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 13 नवंबर 2021 को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे कौन है?
छः नंबर पे हैं सुमित अंतिल, सुमित अंतिल हैं जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंध है पैरा एथलेटिक्स, देख सकते हैं ये हैं सुमित अंतिल। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, सुमित अंतिल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक गोल्ड मेडल जीता था। ये भी हैं एथलेटिक्स जो भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट नंबर पे देख लेते हैं, सातवें नंबर पे हैं प्रमोद भगत जो जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंध है पैरा बैडमिंटन, जिनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आठवें नंबर पे हैं कृष्णा नागर जो राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंध है पैरा बैडमिंटन, देख सकते हैं यह हैं कृष्णा नागर जिनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से पुरस्कार किया जाएगा 13 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, नेक्स्ट पे हैं नवे नंबर पे मनीष नरवाल जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। खेल संबंध है पैरा शूटिंग, देख सकते हैं यह हैं मनीष नरवाल जो 2021 के अंदर ये मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, नेक्स्ट है मिताली राज, दसवें नंबर पे मिताली राज हैं, देख सकते हैं ये अच्छे खासे क्रिकेटर हैं जो 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। राज्य राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनका खेल संबंध है क्रिकेट, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। कौन है? मिताली राज है, 10,000 रन बनाने वाली मिताली राज। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान है, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। ये मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक अच्छी क्रिकेट टीम की कप्तान है। नेक्स्ट नंबर पे देख लेते हैं, 11वें नंबर पे हैं सुनील छेत्री, देख सकते हैं ये हैं सुनील छेत्री जो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंध है फुटबॉल। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर पे हैं 12वें नंबर पे हैं जिनको मनप्रीत सिंह हैं, देख सकते हैं ये हैं मनप्रीत सिंह जो पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका खेल संबंध है हॉकी। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। जो मैंने 12 लोगों का नाम बताया उनको डिटेल्स के बारे में बताया, इन्हीं लोग को 13 नवंबर 2021 को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि 1992 के अंदर विश्वनाथ आनंद को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पहला विश्व कप इनको दिया गया, विश्वनाथ आनंद को। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, विश्वनाथ आनंद भारत शतरंज खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन हैं। इन्हें शतरंज आस्कर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और पद्माभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। इनको 1991 और 1992 के अंदर यह पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, देख सकते हैं ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार, हर कोचों को इन्हीं पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने कोचों को लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि 5 कोचों को लाइफ टाइम श्रेणी की द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले नंबर पे हैं सरकार तलवार जो क्रिकेट के कोच हैं, दूसरे नंबर पे हैं सरपाल सिंह जो हॉकी के कोच हैं, और तीसरे नंबर पे हैं आसन कुमार, ये भी हॉकी के कोच हैं, और चौथे नंबर पे हैं तपन कुमार, ये तैराकी के कोच हैं, और पाँचवें नंबर पे हैं टीपी और सेफ जो एथलेटिक्स के कोच हैं, आप सभी को बात ध्यान में रखना है, जिनको द्रोणाचार्य एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि 2021 के अंदर 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी, आप सभी को बात ध्यान में रखना है। चलिए आइए देख लेते हैं इन 35 खिलाड़ियों को। पहले नंबर पे हैं अरपिंदर सिंह,
जो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इनका खेल एथलेटिक्स है। और दूसरे नंबर पे हैं सिमरनजीत कौर, सिमरनजीत कौर जो मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर पे हैं शिखर धवन जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और चौथे नंबर पे हैं सीए भवानी जो तलवारबाजी हैं। और पांचवें नंबर पे हैं मोनिका जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और छठवें नंबर पे हैं वंदना काटरिया जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और सातवें नंबर पे हैं संदीप नरवाल जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं। और आठवें नंबर पे हैं हिमानी उत्तम वर्ग जो मखमल के खिलाड़ी हैं। और नौवें नंबर पे हैं अभिषेक शर्मा जो निशानबाजी के खिलाड़ी हैं। और दसवें नंबर पे हैं अंकित रैना जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। और ग्यारहवें नंबर पे हैं दीपक पुनिया जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और बारहवें नंबर पे हैं दिलप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। चलिए आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है 13वें नंबर पे हैं हनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 14वें नंबर पे हैं रुपिंदर पाल सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 15वें नंबर पे हैं सुरेंद्र कुमार जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 6वें नंबर पे हैं अमित रोहिदास जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 17वें नंबर पे हैं वीरेंद्र लखारा जो भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 18वें नंबर पे हैं सुमित, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 19वें नंबर पे हैं निकांत शर्मा, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 20वें नंबर पे हैं हार्दिक सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 21वें नंबर पे हैं विवेक कुमार, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 22वें नंबर पे हैं गुरजंट सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 23वें नंबर पे हैं मनदीप सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 24वें नंबर पे हैं रामशेर सिंह, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है 25वें नंबर पे ललित उपाध्याय, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 26वें नंबर पे हैं वरुण कुमार, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 27वें नंबर पे हैं सिमरनजीत, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और 28वें नंबर पे हैं बैगेश काबुनिया, ये भी पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। ये 29वें नंबर पे हैं निषाद कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। ये हैं प्रवीण कुमार, ये भी पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। और 31वें नंबर पे हैं सुहास यतिराज, ये भी पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। ये हैं 32वें नंबर पे सिंहराज अधाना, ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। और 33वें नंबर पे हैं भावना पटेल, ये पैरा टेनिस लेवल के खिलाड़ी हैं। और 34वें नंबर पे हैं हरिंदर सिंह, ये भी पैरा तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। और 35वें और लास्ट जो है शहद कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको 35 नाम बताया हूँ, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।